के निर्देश के आधार पर अपराधियों के विरुद्ध विशेष समकालीन अभियान चलाया जा रहा है भागलपुर जिला अंतर्गत। इसी के तहत मेरे द्वारा भी अपने क्षेत्र में विशेष टीम गठित की गई थी सभी थानों में। इसी के क्रम में आज रात 11 तारीख को 11-12 की रात को इसाक्षर थाना के SHO कम इंस्पेक्टर साहब अपनी टीम के साथ निकले थे गश्ती में। करीब 1 बजे के आसपास ये लोग भोलानाथ पुल के आसपास थे, उसी समय इन लोगों को कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए। इसमें से एक ब्लू कलर के बाइक पर बैठे हुए थे और 2 ऑटो पर बैठे हुए थे। जब संदेह हुआ तो इन लोगों से पूछा गया तो ये लोग बताए कि कुछ भी बताने में असफल रहे, कागजात भी मांग की गई तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तब इन लोगों को पूछताछ किया गया थाने पे लाके, तो इन लोगों ने कहा कि इन लोगों ने कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। फिर जब बहुत पूछताछ किया गया तो बताया कि ये लोग इस टोटो को रजौन थाना क्षेत्र से चुरा कर लाए हैं और इस यहाँ पर बेचने वाले हैं। इसके बाद फिर ये लोग कुछ लीड दिए जिसके आधार पर SHO साहब टीम बनाकर ये लोग गुड्डू मोटर गैरेज पर गए जहाँ पर महताब के होने की बात थी, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिला। वापस आ रहे थे खाली हाथ, तभी इनको कोई व्यक्ति मिला जिन्होंने उनको कहा कि इनकी स्कूटी चोरी हो गई है, तो कुछ पता चले तो बताइएगा। जब ये लोग वहाँ से आगे आ रहे थे तभी इन लोगों ने देखा, और जब उन्होंने बताया कि चोर कैसा दिखता है, उसका होलिया कैसा है, इसी के आधार पर जब ये लोग आगे आ रहे थे पूछताछ उनसे सूचना लेकर, तो रास्ते में ही दो लोग स्कूटी को पैदल खींचते हुए दिखाई पड़े। जब उन लोगों से पूछताछ की गई तो वो लोग संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे थे, और उनमें से एक लड़का का जो हुलिया था वो उस व्यक्ति के द्वारा बताया गया हुलिया से मिलता जुलता था। शक के आधार पर इन लोगों को लाया गया थाना पर, फिर पूछताछ की गई, तब इन लोगों ने कहा कि ये लोग एक स्कूटी उसमें से कोतवाली थाना क्षेत्र से चुराए हैं और दूसरा जो है वो तिलका मांझी थाना क्षेत्र से चुराए हैं। इसके बाद फिर इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो ये लोग बताए कि अलीगंज क्षेत्र में ये लोग कुछ बेचे हैं, तो फिर वहाँ पर अलीगंज में जाके छापामारी किया गया दिन में, तो वहाँ से भी एक टोटो बरामद हुआ जिसका स्वरूप बदला हुआ था लेकिन चोरी का ही था। इस आधार पर सबको पकड़ के लाया और इसाक्षर थाना केस नंबर 33/22 धारा 413 और 414 के तहत केस दर्ज किया गया और पूछताछ जारी है। और इन लोगों के लीड के आधार पर जगह जगह छापेमारी की जा रही है। तो रात में 11:30-11:30 के बीच में चार्ज में लगाए गाड़ी, उसके बाद खाना खाने गए, खाना खा के बाहर निकले, गाड़ी थी, फिर सोने चले गए, तो सो के जब उठे सुबह 5 बजे गाड़ी नहीं। आज कौन सी गाड़ी? ये इसका महावीरा का टोटो है, ई रिक्शा। कहाँ पर से चोरी हुई? कोयलाघाट। वहीं घर भी आपका वहीं पर है? अच्छा, घर के पास गेट पर लगाए थे गाड़ी और वहीं चार्ज में डालते थे, रोज की तरह उस दिन भी डाले थे, सुबह उठे गाड़ी नहीं थी। तो यहाँ इसाक्षर थाने में किस लिए आए हैं? इसाक्षर थाने में हमको जोक्सर थाना से बड़ा हुआ फोन किए कि देखो इसाक्षर थाना में जो है विचार को गाड़ी पकड़ाई है, वहाँ जाके गाड़ी का पहचान की, यहाँ आए तो देखे गाड़ी है लेकिन उसमें चार्जर नहीं है, चार्जर लोग बरामद नहीं किए। कितने लोगों की गाड़ी चोरी हुई है? गाड़ी तो उस एरिया से अभी हम लोग का 2 मतलब चोरी हुई तो है कितना, लेकिन 24 तारीख को मेरा चोरी हुआ रात में और 25 तारीख के रात में दूसरे बगल वाला गांव से चोरी हुआ, तो दोनों आदमी आए हुए हैं यहाँ पर। मेरा गाड़ी तो मिल गया, उसका गाड़ी अभी तक नहीं मिली है। ये जो पुलिस ने बरामद किया वही गाड़ी है? हाँ। क्या? अच्छा, और जो अभी पल्सर पकड़ाया है वो लोग के द्वारा, जो बोल रहे हैं कि चोर के द्वारा पल्सर पकड़ाया है, उस पल्सर का जो है हम लोग के फुटेज में भी फोटो आया हुआ है, उसी पल्सर से उसका भी चोरी हुआ है।